हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बताने वाला हूं आपको फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, बेसिकली बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है? इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें जो हम स्टडी क्या करते हैं, प्रोडक्शन, एलोकेशन एंड यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब ये हो माय डियर फ्रेंड्स कि रिसोर्सेस का जो हमारे पास अवेलेबल है उसको कितने अच्छे से यूज करें, यूटिलाइज करें, ताकि जो है मानव का जीवन बेहतर हो सके। ये जो आपका एक साइंस के में हम ये स्टडी करते हैं, हमारा इकोनॉमिक्स का पर्पस ही यही है। ओके, तो आई होप कि समझ में आ गया आपको। ये इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी अबाउट प्रोडक्शन, एलोकेशन एंड यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये हो गया आपका। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स में जिनका योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले जो नाम आता है वो है एडम स्मिथ जी का। एडम स्मिथ जी को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। सो एडम स्मिथ इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। माय फ्रेंड्स, इन्होंने बुक भी लिखी है, अगर बात करें एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इनका जो किताब लिखा हुआ है, इसमें क्या है, इन्होंने वेल्थ के बारे में बात की है, वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में बात की है, कि इन्होंने रिसोर्सेज को एज ए वेल्थ के रूप में देखा है। और इसलिए इनका डेफिनेशन वेल्थ डेफिनेशन कहते हैं या कहलाता है। इनका डेफिनेशन क्या बोलते हैं, वेल्थ डेफिनेशन। ओके, सो एडम जी का आपने देख लिया। अगर आप बात करते हैं मार्शल जी के बारे में, मार्शल जी भी काफी रिनॉन्ड इकोनॉमिस्ट रहे हैं। इनका जो डेफिनेशन है वो बेस्ड है वन साइड वेल्थ का स्टडी और अदर साइड स्टडी ऑफ मैन। तो इनका जो कहना है कि वेल्थ और इंसान एक दूसरे के पूरक, मतलब कि रिसोर्सेस का सही से यूटिलाइज करना है इंसान का काम है, और अगर सही से यूज करे तो मानव का जीवन बेहतर हो सकता है। इसलिए इनका जो है डेफिनेशन को वेलफेयर डेफिनेशन कहा गया, क्योंकि इनका जो डेफिनेशन था वो वेलफेयर पे ज्यादा बेस्ड था कि इससे मानव जीवन बेहतर हो सके। ओके, तो ये हो गया आपका मार्शल जी का। इनका है एडम स्मिथ का वेल्थ डेफिनेशन, मार्शल जी का वेलफेयर डेफिनेशन। अब बात करते हैं रॉबिन्सन जी का। रॉबिन्सन जी का कहना है कि इकोनॉमिक्स जो है आपका एक, इसमें जो है हम ह्यूमन बिहेवियर, मतलब मानव व्यवहार का जो हम संबंध किससे जुड़ते हैं, एंड्स एंड स्केयर्स, मतलब कि रिसोर्सेस कितना अवेलेबल है और कितना लोग इसका जरूरत है। तो अगर बात करें, लेकिन रिसोर्सेस क्या है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, रिसोर्सेस अनलिमिटेड नहीं है, पर मैन की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो इनके अगर हम एनालिसिस करें, इनके रॉबिन्सन जी के डेफिनेशन को, तो हमें कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं, उस पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। मैन हैज अनलिमिटेड वांट्स, मैंने यही बात नहीं बताई थी आपको। अब इंसान क्या है, चाहत का कोई अंत नहीं है। पहले एक छोटी झोपड़ी बन जाए, फिर एक पक्का मकान बन जाए, फिर पक्का मकान थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा बन जाए, फिर बंगलो बन जाए और बड़ा बन जाए, तो फिर कार, डिसेंडेंट, मतलब उनका जो है कोई कभी खत्म नहीं होता। तो ह्यूमन हैव अनलिमिटेड वांट्स। सेकेंड बात करें, द मीन्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। अगर मीन्स क्या बात करें, मतलब कि रिसोर्सेस, रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। आपको पता है कि यहां तक कि वाटर जो है नेचुरल चीज है, रिसाइकिल कर लेते हैं, हमारे पास हमेशा वाटर साइकिल चलता रहता है, फिर भी क्या है, आज वाटर की प्रॉब्लम बहुत जगह देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हम सही से यूटिलाइज को नहीं कर रहे हैं।
किसी के पास सही से शुद्ध पानी पीने के लिए नहीं है और किसी के पास स्विमिंग पूल में नहा भी रहा है। तो देयर इज ए डिफरेंस यू कैन सी इन यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेस। अगर बात करें, रिसोर्सेस आर नॉट ओनली लिमिटेड बट हैव अल्टरनेटिव यूसेज। अब क्या है, रिसोर्सेज का हर किसी के सामने, हर किसी के लिए अलग अलग यूसेज है। किसी के लिए कुछ रिसोर्सेज बेसिक हैं, किसी के लिए क्या है, वही चीज लग्जरी है। ओके, किसी के लिए बेसिक है, किसी के लिए लग्जरी है। जैसे गरीब आदमी के लिए एक कार क्या है, लग्जरी हो सकता है, पर एक जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है या हर इनकम पर्सन है, उसके लिए कार क्या है, बेसिक चीज है। उसे घर में कार होगा ही होगा, और गरीब घर में तो सर साइकिल भी ना हो। और अगर बात करें तो इसके अलग अलग भी पहलू दे सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं, मैन हैज टू मेक अ चॉइस। अब इंसान को चॉइस बनाना पड़ेगा कि क्या चाहिए उसे, कि जिंदगी अगर अच्छे से काटनी है, अच्छे से जीनी है, तो उसको जो है एक अपने आप को सीमित करना होगा कि हमें इतने ही रिसोर्स यूज करना है, अदरवाइज रिसोर्स खत्म कर चले जाएंगे और हमारा फ्यूचर जनरेशन बिना रिसोर्स डिफिशिएंट हो जाएगा। ओके माय फ्रेंड्स, ओके, सो सून आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो, सी यू सून।